नमस्कार, मैं हूँ समोज समर की रसोई में आपका फिर स्वागत है। आज अपन बनाएंगे पानी पूरी। उसके लिए पहले अपन आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कप लिया है सूजी और इसके अंदर दो चम्मच अपन मिलाएंगे मैदा के आटे के और इसी के अंदर तीन चम्मच तेल। अच्छी तरह मिला लेंगे। गरम पानी से इसको अपन गूंथेंगे। अब अपन ने इसका दो तैयार कर लिया। अब इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ढक के एक जार ले लेते हैं, इसके अंदर पुदीना डाल लेते हैं। जितना पुदीना लेते हैं उससे दुगुना धनिया लेना तुमको। तो एक टुकड़ा इमली का लेना है और 1 इंच अदरक लेनी है और 2 हरी मिर्च। अब इनको अपन पीस लेंगे। पेस्ट पीस लिया है। अब अपन ने 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला और 1 चम्मच डालेंगे अपन भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी डालेंगे अपन और ये मेरे घर पे पानी पूरी मसाला रखा हुआ था तो ये डाल रही हूँ मैं, आपके पास हो तो आप मिला। इसके अंदर 3 गिलास ठंडा पानी डाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी और डाल। इसके अंदर अपन बूंदी डालेंगे, ये मैंने घर पे ही बनाई है। ये मीठी चटनी बनाने के लिए 1 कप इमली का पानी लिया है। इसमें 1 चम्मच अपन डालेंगे गुड़, 1 चम्मच डालेंगे नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इनको अपन अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं से अपना गुड़ मिल जाए इसके अंदर। 1 पिंच के करीब अपन हींग डाल लेंगे इसके। अब इसमें 3 गिलास अपन ठंडा पानी डाल। इसके अंदर अच्छी तरह मिला देंगे। मीठा और नमकीन पानी दोनों बनके तैयार है। जो सूजी के आटे का डो लगाया था उसकी मैंने रोटी बेल ली। अब इस डक से अपन इनको काट लेंगे। इसको उठा लेंगे, देखिए अपनी नहीं मोटी है नहीं पतली है। अपन ने सबको बेल के इनको कट कर लिया है। अब इनको अपन तलेंगे।
को हल्का ब्राउन होने तक मिक्स करें। अपने सब इसमें ये पूड़िया फूल गई है, इतनी इनको सेक लें। अब इसी तरह से अपन अपनी पूरी बना लेते हैं। पूरी मैंने सब बना के रख लिए हैं, अब आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी तरह से अपनी ये पूरी। अब बनाएंगे अपन इसका मसाला। ये मैंने 5 आलू लिए, इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं, अब इनको मिला दूंगी। ये है थोड़ा हरा धनिया, आधी से थोड़ी ज्यादा लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच डालेंगे अपन चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे अपन आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच ही डालेंगे अपन जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इनको अपन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप मसाला अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल इसको मिक्स कर दिया है सब चीजों को। ये अपना मसाला बनके तैयार है। इसमें मसाला बढ़ते हैं।